नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 8 मिलियन लोगों ने इसे देखा, लेकिन इस एक तस्वीर में ऐसा क्या है कि ये वायरल है? तो जवाब छिपा है कि इसके हैशटैग में, हैशटैग ब्राह्मण जींस। इस लड़की ने जैसे ही इस हैशटैग ब्राह्मण जींस वाला ये पोस्ट शेयर किया, इस पर लोगों के तरह तरह के रिएक्शंस आने लगे और इसी के साथ देश में फिर शुरू हो गई कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना वाली बहस। एक हैशटैग की कीमत तुम क्या जानो बाबू। जमाना सोशल मीडिया का है और आजकल देश भर में बहस के हर मुद्दे की जननी भी यही है। इस बार आग सोशल मीडिया एक्स ने लगा। अनुराधा तिवारी नाम की एक एक्सक्यूजर ने सोशल मीडिया पर अपने मसल्स फ्लेक्स करते हुए पोस्ट डाला और दो शब्द लिख दिए, ब्राह्मण जींस। 22 अगस्त को सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया और देखते ही देखते हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल। इस यूजर का एक पोस्ट हैशटैग कब बन गया किसी को पता तक नहीं चला और लाखों लोग इसी हैशटैग के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करने लगे। भगवा कपड़ों में जनेऊ पहने लोगों की ऐसी तस्वीरें फ्लोट होने लगी। बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी अपनी तस्वीरें डालने लगे। ब्राह्मण जींस वायरल हुआ तो इसके साथ साथ और भी हैशटैग आ गए। कोई दलित जींस लिखकर अपनी तस्वीरें डाल रहा है तो कोई जाट जींस लिखकर अपनी तस्वीरें शेयर करने लगा। किसी ने तो मनोज मुंतशिर की एक कविता लोगों को याद दिला दी। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं वो दधीच हूं जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान करने से पहले दो बार नहीं सोचता। मैं वो परशुराम हूं जो श्री राम जैसे मर्यादा मूर्ति क्षत्रियों को अपनी सारी शक्तियां सौंप देता है। सोशल मीडिया पर मानो इस तरह के पोस्ट की बाढ़ सी आ गई। लेकिन तभी इस ट्रेंड की शुरुआत करने वाली अनुराधा तिवारी ने एक और पोस्ट की। माय नेम इज अनुराधा तिवारी, आई एम अ प्राउड ब्राह्मण बट आई एम नॉट एन ऑपरेसर। बीते करीब एक हफ्ते से ये दो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन सोशल मीडिया के इस ट्रेंड ने देश भर में एक बार फिर जाति के जिन को जिंदा कर दिया है। हिंदुस्तान में लोग बिना पूछे ही अपनी जाति बताने लगे, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर अनुराधा तिवारी इस पोस्ट के जरिए कहना क्या चाहती है, इस ट्रेंड पर उनकी क्या राय है? देखिए, जब लोग जाति के आधार पर रिजर्वेशन ले रहे हैं, रेवड़ियां ले रहे हैं, गवर्नमेंट की सारी स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, तो हमें अपनी जाति पर गर्व क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप अपने जाति प्रमाण पत्र से आप इतना सारा फायदा उठा रहे हैं, तो हम अपने जाति पर गर्व भी क्यों ना करें? अनुराधा को अपने ब्राह्मण होने पर गर्व है और इन्हीं की तरह देश के लाखों करोड़ लोगों को अपनी जाति पर गर्व है। लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पर अपनी जाति के साथ हैशटैग ट्वीट ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब देश में जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति चल रही है, पार्टियां कास्ट सेंसस पर भिड़ी हुई है। एक तरफ जहां विपक्षी दल कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं, देश में तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। और हम लोग जानते थे कि भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल नाइन को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहती है। ये हमारी डिमांड है, इंडिया गठबंधन की डिमांड है और समाजवादी पार्टी की तो बहुत पहले से है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए अगर आपको सबके साथ इंसाफ करना है। तो दूसरी तरफ बीजेपी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रही है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। कास्ट सेंसस को लेकर राजनीतिक दलों की अपनी अलग अलग राय है। आने वाले वक्त में कास्ट सेंसस होगा या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच ये मायने रखता है कि आखिर देश की जनता जाति वाले इस बहस पर क्या सोचती है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, संविधान तो दे रखा है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अंडर आर्टिकल 14 है, 15 है, 16, 17 अनटचेबिलिटी, स्टिल बहुत सारी चीज़ें लॉज आते हैं, स्टिल कोई भी इसका फॉलो नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि हमें कास्ट बताने में शर्म आनी चाहिए या हम उसको स्पेसिफाई करें, हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। हमको भी यही चाहिए कि हमको ये कास्टिज्म जो होता है ना, ये पॉलिटिक्स जो होता है, इसको मतलब इसको बिल्कुल ख़त्म करना है। देखिए, जनरली हमें देखना चाहिए कास्ट सामाजिक तौर पे नहीं उछालना चाहिए, इतना ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कास्ट को लेकर। सब हम मानव हैं एक तरीके से, आज भी मानवता अपने देश में बहुत आगे है। मेरे हिसाब से कास्ट को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए,
सबको साथ मिलके रहना चाहिए, कास्ट के बेस पे सोसाइटी को डिवाइड नहीं करना चाहिए। इस देश में जाति वो मुद्दा है जो लव स्टोरी से लेकर लोकतंत्र के महापर्व तक मायने रखता है और एक बार फिर सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से चर्चा में। कुल मिलाकर यही कहा जाता है कि जाति है कि जाति।